बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध एडमिन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आज एसएसटी का जो पेपर हुआ है उसके पिछली वीडियो में हमने इस्लामियात और सिविक्स का सेक्शन सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में हम सिंधी और उर्दू के सेक्शंस को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे जो फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कर लें, ताकि आपको जितनी भी पेपर सॉल्यूशन के हवाले से वीडियोज़ हैं वो डेली बेस पर मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। और याद रहे कि जो आज का पेपर हुआ है उसका हमने बी टाइप सॉल्व किया है, लेकिन हम क्वेश्चंस को फोकस करते हैं, तो दैट्स वाई आप हमारी पूरी वीडियोज़ को देख के अपनी सेल्फ की मेकिंग खुद कर सकते हैं। तो चले, हम आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए अभी स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सब खां पहिरीं असीं सिंधी सेक्शन के सॉल्व कंदा आहियूं एज़ पर रूटीन। त हिन में पहिरियों सुवाल आहे, सिंधी ॿोली किताब कंहिंजो लिखियलु आहे? त दोस्तों, सिंधी ॿोली किताब जेको आहे सो टे चारि किताब लिखियल आहिनि सिंधी ॿोली ते, उन्हनि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। हिकिड़ो किताबु लिखियलु आहे मोहम्मद उमर चंड जो, जेको सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ तरफ़ां पब्लिश थियलु आहे, ऐं हिते अहिड़ो कोई नालो नाहे, त तंहिंजे करे इन क्वेश्चन खे पाण अनअटेम्प्टेड छॾियो आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, सिंधी अदब में अफ़साननि जो किताबु करबला कंहिंजो लिखियलु आहे? त उहो किताबु लिखियलु आहे दोस्तों नूरुल हुदा शाह जो। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, कहिड़ो दास्तान रज़मी आहे? त रज़मी दास्तान अहिड़ो दास्तान हूंदो आहे जेको जंग जे माहौल ऐं मुक़ाबलनि ते ॿधलु हूंदो आहे, उहो दोदो ऐं चरीसर जो दास्तान जेको आहे सो रज़मी दास्तान आहे। इन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, जुमिले में इस्म या ज़मीर जूं कुल केतिरियूं हालतूं थी सघनि थियूं? त हिन जो राइट आंसर आहे पंज हालतूं थी सघनि थियूं। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, शाह करीम शाह लतीफ़ जो रिश्ते में छा हुयो? त शाह करीम जेको शाह अब्दुल लतीफ़ भिसाई वारनि जो रिश्ते में त ॾाढो हुयो। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन असां वटि आहे, सामी कहिड़े दौर जो शाइर थी गुज़रियो आहे? त सामी जेको आहे सो तालपुरनि जे दौर जो शाइर आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, ओझण में अटकणु हथ खणणु अखि ॾेखारणु सिंधी ॿोली में छा आहिनि? इहे सिंधी ॿोली में पहाका आहिनि। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, सिंधी ॿोली कहिड़ी रस्म उलख़त में लिखी वेंदी आहे? त सिंधी ॿोली दोस्तों अरबी रस्म उलख़त में लिखी वेंदी आहे। हुन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, कहाणियुनि जो मजमू ख़्वाबनि जी सरहद कंहिंजो लिखियलु आहे? त कहाणियुनि जो मजमू ख़्वाबनि जी सरहद मुनवर सिराज जो लिखियलु आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, तारीख़ तमदन इस्लाम जो, तारीख़ तमदन इस्लाम जेको आहे किताबु करीम बख़्श चन्ना जो लिखियलु आहे। त हिते असांजो सिंधी सेक्शन कंप्लीट थियो। नेक्स्ट वीडियो में असीं हाणे असीं उर्दू सेक्शन की तरफ़ हलंदासीं, त उर्दू सेक्शन में असां वटि जेके टोटल सुवाल आहिनि उनखे फोकस कंदा। जी उर्दू सेक्शन का पहला सवाल है कि नून मिम राशिद की शोहरत किस सिंफ से है? तो नून राशिद की शोहरत जो है वो आज़ाद नज़म के हिसाब से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तर अंसारी अकबर आबादी ने हैदराबाद सिंध में कौन सा रिसाला निकाला? तो उन्होंने जो रिसाला निकाला था वो था नई कदरें। उसके बाद मीर अमन से अब्दुल हक तक किसकी तसनीफ़ है? तो ये है सैयद अब्दुल्ला की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीलानी बानो बेगम के नावल ऐवान गज़ल में किस मकाम का जिक्र है? तो उसमें हैदराबाद के माहौल का जिक्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान दहली पीरा मंच उर्दू का असल और सरचश्मा है, ये कॉल किसका है? तो ये कॉल है दोस्तों मसूद अहम हुसैन खान का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहाबनामा किसकी खुद नोश्त है? तो शहाबनामा कुदरतुल्ला शहाब की खुद नोश्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामला बंदी के लिए मारूफ शायर हैं, तो उनका नाम जो है दोस्तों जुरत, और इसका पूरा नाम था जुरत कलम कलंदर बख्श, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारे किसकी तहरीक के नतीजे में वजूद में आई? तो ये था तरक्की पसंद तहरीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला वजी की सबरस की इम्तियाजी खसूसियत क्या है? तो उसकी इम्तियाजी खसूसियत जो है तमसील निगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसरती किसकी तसनीफ़ है? तो नसरती जो है मौलवी डॉक्टर अब्दुल हक की तसनीफ़ है। तो यहाँ पर हमारा सिंधी और उर्दू का सेक्शन भी कम्प्लीट था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सॉल्व करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश के सेक्शन को, तो हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।